गाइस पहले इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आईफोन है, टूट चुका है, तो क्या इसकी बैटरी पहले हम लोग इसको खोल के चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। इसको निकालते हैं और आप लोग ऐसा कुछ भी घर पे ट्राई करने की कोशिश मत करें, क्योंकि दग भी सकती है निकालते समय, इसको खोलते समय ये दग भी सकती है या कुछ भी हो सकता है। गाइस यार ये देखिए, ये आईफोन की बैटरी खुल चुकी है, आईफोन 5S था। तो गाइस ये देखिए पूरी खोल दी है बैटरी, इसको तो पहले हटा के देखते हैं अब क्या होता है। ये पूरा खुल तो गया है, ये अगर आपस में सकते हो तो जल भी सकता है इसको। खैर इनसाइड डिस्चार्ज थी इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाइस कुछ ऐसा होता है आईफोन की बैटरी के अंदर, तो अब सैमसंग की ट्राई करते हैं, इसको खोलते हैं। नाम ही नहीं ले रही है, देख रहे हैं। जैसे तैसे करके गाइस मैं इसको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस यार जैसे तैसे करके मैंने इसको बाहर निकाल ही दिया सैमसंग वाली बैटरी को। यार ये तो अभी से बहुत अजीब सा सोल्यूशन निकाल रहा है, ये सब अनचार्ज, वरना इसमें तुरंत आग पकड़ लेती चार्ज होने से। तो गाइस सेम सैमसंग की बैटरी ये भी है, ये छोटी है बस, तो क्या नाम है, इसको खोलने कोई मतलब वैसे है नहीं, क्योंकि ये इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव है जो कि चार्ज रहता है, दोनों अगर ये आपस टच होता है तो ऐसे स्पार्क करता है, जल जाता है पूरा, क्योंकि वो चार्ज ही नहीं है। खैर पुरानी बैटरीज है, इसको भी खोलने का इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। तो वो तो आप लोग को कुछ सीखने को मिला ही होगा इसमें कुछ शायद, और वैसे आप लोग ये सब घर पे ट्राई करने की बिल्कुल कोई भी लोग बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, इसमें आग पकड़ दग भी जाता है कई बार। तो हमने इसीलिए अनचार्ज बैटरी ली थी, वरना ये दिक्कत कर सकता था। तो इसको भी क्या करना, खोले भाई सेम रिजल्ट आएगा, सेम एकदम बैटरी, वो भी वही है बस छोटी है। तो चलिए अगली वीडियो में अपनी मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद, गुड बाय, टाटा।